तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी आप अपने विडमेट एप्लीकेशन से कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, रेट्राई लिंक एक्सपायर्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, जब भी प्ले स्टोर में जाते हैं जो न्यू यूज़र्स हैं एंड विडमेट को सर्च करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मैं प्ले स्टोर में जाऊँगा और विडमेट को सर्च करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे जो फर्जी एप्लीकेशन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल विडमेट है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। तो वो आपको क्रोम ब्राउजर पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये एप्लीकेशन सेफ नहीं है। आप इतना जान लीजिए कि जब भी आप विडमेट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो कि ऑफिशियल एप्लीकेशन क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करना पड़ता है, तो वो एप्लीकेशन सेफ नहीं होता है। अगर आप फिर भी यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको ऐप्स पे क्लिक कर देना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको विडमेट को सर्च कर लेना है या फिर ढूंढ लेना है। सबसे लास्ट में यहाँ पे विडमेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा, तो देख सकते हैं विडमेट पे आपको क्लिक कर देना है। विडमेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, स्टोरेज एंड यूजर्स में जाना है एंड यहाँ से इसका जो डाटा है वो क्लियर कर देना है। ठीक है, क्लियर कर देना है एंड जहाँ से आपने पहले विडमेट डाउनलोड किया था, जिस भी वेबसाइट से या फिर कहीं से भी डाउनलोड किया होगा, उससे आपको एक बार दोबारा से अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड इतना करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और अपना जो नेटवर्क है वो भी चेक कर लीजिए कि आपके मोबाइल में सही नेटवर्क आ रहे हैं, आपके मोबाइल में डाटा है या नहीं, आप एक बार इतना चेक कर लीजिए एंड आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। फिर आप दोबारा यूट्यूब से जाके कोई भी वीडियो को विडमेट में लाएंगे एंड उसको सेव करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से सेव हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।